इस वीडियो के प्रायोजक हैं कैशिफाई.इन। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लेकर आए हम वीवो के V9 का एक फर्स्ट लुक और एक अनबॉक्सिंग। बताएंगे आपको इस फ़ोन में कि सेल्फी के अलावा इस फ़ोन में आपको और क्या कुछ दिया गया है। फुल स्क्रीन है, नॉच है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। बॉक्स जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलता है। लिखा गया है कि वीवो कैमरा एंड म्यूजिक, नीचे की तरफ लिखा गया है कि V9 परफेक्ट शॉट, परफेक्ट व्यू और परफेक्ट नॉच भी। यहाँ पर आप देखेंगे वीवो जो है वो लिखा गया है IPL का जो टाइटल स्पॉन्सर है। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और जो हाईलाइट है यहाँ पर मेड इन इंडिया है। और यहाँ पर लिखा गया है, इसके नीचे शायद आप नहीं देख पाएंगे, फुल व्यू, ड्यूल रियर कैमरा, 24 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4GB और 6GB की जो है वो रोम है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो लिखी गई हैं। प्राइस फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बॉक्स को जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बॉक्स हमने यहाँ पर ये जो है ओपन कर दिया है और सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर वीवो लिखा हुआ और उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पर फ़ोन। तो फ़ोन को रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं यहाँ पर इस लीफलेट में क्या है। क्विक स्टार्ट गाइड है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वारंटी सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर एक जो है वो आपको कवर भी दिया गया है जो कि क्वालिटी वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का कवर है। अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो ये है मेन फ़ोन। इसको दिखाने से पहले आपको दिखाया था कि और बॉक्स में क्या कुछ दिया गया है। बॉक्स में यहाँ पर आपको मिलता है वीवो का चार्जर जिसमें लिखा गया है 5V 2A के ऊपर यहाँ पर आपको ये जो है वो दिया गया है। इसमें भी लिखा गया है मेड इन इंडिया। उसके बाद में आपको माइक्रो USB केबल दी गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये जो है वो ये फ़ोन्स मिल जाते हैं 3.5 जैक वाले। यहाँ पर आपको जो है ये रिमोट मिलता है माइक्रोफोन का और यहाँ पर उस पर लिखा भी गया है वीवो। अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन जो है मेन कुछ इस तरह से यहाँ पर है। इसको जो है वो अनरैप कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। और ये वाला जो है वो इस तरह का काफ़ी ग्लॉसी शाइनी डिज़ाइन है, ब्लैक कलर में दिया गया है। नीचे लिखा गया है डिज़ाइन बाय वीवो और ये स्टिकर है नॉर्मल। पीछे की तरफ यहाँ पर जो है वो डुअल रियर कैमरा दिए गए हैं, LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वीवो की यहाँ पर जो है वो ब्रांडिंग भी लिखी गई है। राइट साइड में आपको यहाँ पर जो है वो पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर जो है एक सिम ट्रे दी गई है, अभी आपको दिखाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 3.5 जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है। और ये जो है इसका सिम ट्रे है जिसमें आप डुअल सिम यानी कि दो नैनो सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक अच्छी बात है। कवर जो है वो भी आपको लगा कर दिखा देते हैं किस तरह से फिट होता है। काफ़ी यहाँ पर जो इस तरह से आपको लगा सकते हैं और परफेक्टली फिट है, सारे के सारे ऑप्शन हैं। और इसको आप जो है वो कवर भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी पहले से लगा कर दिया गया है और ये जो है वो शायद नॉच टाइप है। फटाफट से इसको जो है वो ऑन कर लेते हैं। स्क्रीन यहाँ पर जो है आपको फुल HD प्लस वाली मिलने वाली है, 18:9 है फुल यहाँ पर बोलते हैं। और फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो फटाफट से फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देते हैं। तो फ़ोन हमने यहाँ पर जो है सेटअप कर लिया है और फिंगरप्रिंट को भी यहाँ पर सेट कर दिया है। और स्टार्टिंग में हमें जो है यहाँ पर फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिला था, तो वो भी यहाँ पर आपको जो है वो दिखा देते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस, तो यहाँ पर हम जो है फेस भी रजिस्टर कर लेते हैं। ऐड अ फेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ पर जो है कर लेता हूँ मैं। टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर देते हैं, ये देखिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना फेस जो है वो ऐड कर देता हूँ। फेस ऐड कर दिया है और अब देखते हैं कि ये जो है वो इसको अनलॉक कर पाता है कितनी जल्दी से, ये देखिए। अरे वाह, बहुत ही कमाल का फास्ट है ये, देखिए। सो आई एम इम्प्रेस्ड, ये देखिए पावर बटन को प्रेस करते ही जो है वो अनलॉक हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे चारों के चारों फिंगर्स यहाँ पर हैं, ये देखिए। प्रेस एंड अनलॉक, मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ यहाँ पर जहाँ पर फेस नहीं दिख रहा है। अब मैं फेस पे लेके आता हूँ और ये जो है अनलॉक। जी हाँ, तो फेस अनलॉक जो है वो काफ़ी स्मूथ और फास्ट है, मज़ा आ गया देख करके। सेटिंग मेन्यू जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पहले ही बाहर दिखा रखे हैं, जैसे वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क है, हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ, OTG, स्टेटस बार, नेविगेशन बार। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड में कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी वीवो की खुद का UI है उसमें इस तरह से यहाँ पर मिलता है। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो 4GB की जो है वो रैम है जिसमें से आपको 1.4 अवेलेबल है। और थोड़ा क्लियर करेंगे तो आपको और मेमोरी मिल जाएगी। तो 1.70 जो है फर्स्ट बूट मिलती है। अवेलेबल स्पेस जो है वो 64GB में से लगभग आपको 49GB का यहाँ पे दिया गया है। SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं और OTG को भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अबाउट फोन में आपको दिखा देते हैं, तो ये वीवो का मॉडल नंबर है और इसमें आपको जो है एंड्रॉयड का 8.1 जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। ओरियो, कुछ इस तरह से आपको इसका जो है ओरियो लोगो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है फरवरी का। प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन का 626 दिया गया है, ऑक्टाकोर वाला 2.2 GHz के ऊपर। तो ये यहाँ पर जो है वो एक बढ़िया चीज़ है। देखते हैं कि और इसमें आपको क्या कुछ दिया गया। तो फेस अनलॉक हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का है और जो रियर ड्यूल कैमरा है
16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के जो है वो दिए गए हैं, साथ में सिंगल एलईडी फ्लैश है। और फिंगरप्रिंट भी चेक कर लेते हैं कि अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। तो ये मैंने यहाँ पर टच कर दिया है और ये ऑन हो गया है, देखिए टच एंड ऑन, टच एंड ऑन। तो यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर की और फेस अनलॉक की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये देखिए यहाँ पर अनलॉक बटन दबाते ही जो अनलॉक हो जाता है, बटन दबाते ही जो वो अनलॉक हो जाता है। वीवो के V9 में आपको काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं, प्रोफेशनल मोड है, पैनोरमा मोड है, फेस ब्यूटी है, जी हाँ रियर कैमरा में आपको फेस ब्यूटी मिलता है, नॉर्मल टेक फोटोज़ हैं, वीडियोस हैं और AR स्टिकर भी दिया गया है। सेल्फी में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है AR स्टिकर मिल जाते हैं, वीडियोज़ आप यूज़ कर सकते हैं, टेक फोटो नॉर्मल है, फेस ब्यूटी है, यहाँ पे आप जो है ब्यूटिफिकेशन मोड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें जो है पोर्ट्रेट बोके भी मिल जाता है। ग्रुप सेल्फी भी दी गई है जिसमें आप जो है वो पैनोरामा टाइप में जो है वो यूज़ करके इसकी ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं। और प्रोफेशनल मोड जो है वो सिर्फ रियर कैमरा में ही काम करता है। कुछ कैमरा सैंपल की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो इसके फ्रंट कैमरा दिखा देते हैं। ये हमने कुछ सैंपल लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड में पिक्चर ली गई है, फेस पर लाइट है तो डिटेलिंग किस तरह से यहाँ पर मिल रही है, इंडो लाइटनिंग की फोटो ली गई है। और अगर हम बात करते हैं लाइव फोटो की तो इसमें जो है लाइव फोटो का भी ऑप्शन है, तो वो भी यहाँ पर आपको जो है वो दिख रहा है। और अगर बात करते हैं फेस ब्यूटी की तो ये वाली फोटो जो है वो फेस ब्यूटी मोड में ली गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से मिलती है। इसके अलावा और भी हमारे इन्फिनिटी टीम ने जो है कुछ पिक्चर्स ली थी जो डे लाइट में ली गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से मिलती हैं, कुछ स्टिकर के साथ में और कुछ इसमें जो है वो आप बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट जो है कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रियर कैमरा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है वुडन वाला जो है फ्लावर दिख रहा है, किस तरह से मिलते हैं यहाँ पर, आउटडोर लाइटनिंग में ली गई है सनलाइट के अंदर। और यहाँ पर देखते हैं आप जो पॉट्स रखे गए हैं, ग्रीन है और रेड है, और यहाँ पर आपको जो कलर है वो बीटे कितने अच्छे से मिल रहे हैं। तो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो बढ़िया काम कर लेता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं येलो कलर है और जो डार्क चॉकलेट कलर है वो किस तरह से मिलता है। ग्रीन की अगर बात करें तो कलर यहाँ पर जो है वो नेचुरल मिल जाते हैं। और फ्लावर की अगर बात करते हैं तो फ्लावर में आपको येलो, रेड, पिंक सभी तरह के कलर आपको जिसमें दिखेंगे और हल्का सा बोके इफेक्ट यहाँ पर बनता हुआ मिल जाता है। ये वाली फोटो जो है नॉर्मल मोड में ली गई है, आप देखते हैं पहले वाली जो थी वो बोके मोड में ली गई थी। इसमें भी आप देख सकते हैं छोटा सा फूल है, किस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है, बोके इफेक्ट किस तरह से बन गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे वर्जन 2.0, तो ये भी आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और एक इंडोर में ली गई थी यहाँ पर ये जो झूमर सा लगा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी किस तरह से मिलती है। वीवो का जो V9 है आपने देखा किस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है, इसकी जो प्राइस है वो दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है लगभग 25,000 रुपये के आसपास में होनी चाहिए। और फ़ोन जो है आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आपको कोई सवाल है आप बताइएगा वीवो के V9 के लिए, और अगर आप कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं इसके सेल्फी कैमरा का किसी और कैमरा के साथ में जरूर से बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जल्द से जल्द रिव्यू देने की। अगर आप वीवो का V9 लेना चाहते हैं तो अपने पुराने फ़ोन को सेल कर सकते हैं cashify.in के ऊपर, जहाँ पर आप 60 सेकंड में अपने फ़ोन की अच्छी वैल्यू पा सकते हैं, जो कि आपको Amazon और Flipkart के कैशबैक में भी नहीं मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।